सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चर्तु दुःखाद् भवेत्। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य संजय शर्मा। रितन चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग की। 16 सितंबर सन 2023 भाद्रपद शुक्ल पक्ष शनिवार का दिन, तिथि प्रतिपदा और उसके उपरांत द्वितीय तिथि का प्रारंभ, नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी और उसके उपरांत हस्त नक्षत्र का प्रादुर्भाव और राहु काल सुबह 9:19 से 10:50 तक। अभिजित मुहूर्त रहेगा 11:57 से लेकर 12:46 तक। दोस्तों ये था आज का पंचांग। अब बात कर लेते हैं आपकी किस्मत के सितारों के बारे में, क्या कह रहे हैं आपके ग्रह नक्षत्र। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि जिनकी है उनके लिए कैसा रहेगा आज का दिन। मेष राशि वालों के लिए छठे भाव में चंद्रमा विराजमान है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, हेल्थ को लेकर के काफी चिंता रहेगी। दूसरा, परिचित के आगमन से मन खुश रहेगा, नए कार्यों से भी आपको काफी ज्यादा लाभ की प्राप्ति हो रही है। दूसरा, आप अपने मन को कंट्रोल करके चलें और पूजा पाठ धर्म कर्म के कार्यों में अपनी नियति रखें और ईश्वर का नाम लेने से सभी के सभी कार्य आपके सिद्ध होंगे। आज का दिन आपके लिए मंगलकारी रहने वाला है। अब मित्रों बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। जिनकी वृषभ राशि है उनका कैसा रहेगा आज का दिन। वृषभ राशि वालों को आपकी संतान को लेकर के चिंता मन में सता सकती है, बच्चों को लेकर के आप फिक्रमंद रहेंगे, हेल्थ में थोड़ा सा स्वास्थ्य में काफ़ी गंभीरता आ सकती है। दूसरा, किसी अच्छे डॉक्टर या वैद्य को दिखाने की आवश्यकता रहेगी। दूसरा, सर की पीड़ा का योग भी आपके जीवन में आज के दिन बन सकता है, तो घबराएं नहीं, जल्दबाजी से कोई भी निर्णय ना लें और अपने स्वास्थ्य का अत्यधिक ध्यान रखें। मित्रों अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। जिनकी मिथुन राशि है उनके जीवन में आप काफ़ी ज़्यादा व्यापार और व्यवसाय को लेकर के चिंतित हो रहे हैं, परंतु व्यापार और व्यवसाय में आपको अचानक से लाभ का योग बनेगा। दूसरा, जिस भी कार्य को आप प्रारंभ करने की सोच रहे हैं उसमें 100% विजय प्राप्त होने की संभावना रहेगी। भाग्य आपका अच्छा साथ दे रहा है जिनकी मिथुन राशि है और आज का दिन मंगलकारी है। अब मित्रों बात कर लेते हैं कर्क राशि की। जिनकी कर्क राशि है उनके लिए कैसा रहेगा आज का दिन। भगवान शिव की उपासना करने से सभी मनोरथ सिद्ध होने का योग बन रहा है। जमीन जायदाद को लेकर के आपके मन में चिंता सता रही है। आप किसी भी चीज पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उस इन्वेस्टमेंट में आपको डर पैदा हो रहा है, परंतु भयभीत ना हो, निरंतर आप प्रयास करें और जो चीज़ खरीदना चाहते हैं उसको खरीद लें, उससे लाभ भी रहेगा और आपके जीवन में सुख शांति रहेगी। भगवान शिव की पूजा से विशेष लाभ रहेगा। मित्रों अब मित्रों बात कर लेते हैं सिंह राशि की। जिनकी सिंह राशि है उनके लिए कैसा रहेगा आज का दिन। सिंह राशि वालों को अपने जानवरों की चिंता हो सकती है, किसी पशु पक्षी जीव की चिंता हो सकती है। आज के दिन आप किसी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो सकते हैं और ख़ास तौर से जीव जंतु को लेकर के, चाहे आपका डॉग हो घर पे, पालतू बिल्ली हो, उसको लेकर फिक्रमंद रह सकते हैं आज के दिन। तो आप बिल्कुल उनके प्रति फिक्रमंद रहें, उनकी सेवा करें, जिससे कि आपके जीवन में एक नया बदलाव आएगा और खर्चे आपके शुभ कृत्यों पर धन खर्च होने से विशेष लाभ भी रहेगा। परंतु अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहें, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान अवश्य दें। मित्रों अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। जिनकी कन्या राशि है उनके लिए कैसा रहेगा आज का दिन। कन्या राशि वालों को दाम्पत्य सुख भोग की चिंता सता सकती है। गृहस्थी को लेकर के काफी मनमुटाव के योग बन रहे हैं। परिवार में, घर में कलह कलेश का योग हो सकता है।
पति पत्नी के बीच में दाम्पत्य सुख को लेकर के चिंता हो सकती है, परंतु शांति बनाए रखें, गृहस्थी में टेंशन ना उत्पन्न करें, मर्यादित होकर कार्य करने से लाभ रहेगा। आज का दिन आपके लिए सफलता और सम्मान देने वाला भी है। तो आज के दिन आपको एक छोटा सा उपाय करना है, ओम गण गणपति नमः मंत्र का जाप करें। मित्रों, अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों को चिंता रहेगी धन की, धन उपार्जन की चिंता, क्योंकि आप अपने मन में अधिक से अधिक धन कमाने की सोच रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपके पास बहुत ज़्यादा धन प्रतिष्ठा बढ़ जाए, परंतु बढ़ेगी अवश्य, परंतु आपको माँ दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। माँ दुर्गा का ध्यान भजन करने से धन का लाभ भी होगा और आनंद की प्राप्ति होगी, वैभव की प्राप्ति होगी, परंतु गणेश जी की पूजा और दुर्गा माँ की पूजा अवश्य करें। मित्रों, अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। जिनकी वृश्चिक राशि है उनके लिए कैसा रहेगा आज का दिन? आपके मन में आज कुछ बुरे ख्यालात आ सकते हैं, आपको मन के अंदर टेंशन सता सकती है, डिप्रेशन आ सकता है। स्वच्छता बना करके रखें, जितना आप स्वच्छता बनाएंगे घर के अंदर उतना ही लाभ रहेगा। निराशा बिल्कुल भी ना आने दें और पानी देखें कि कहीं से आपका कोई टैब वगैरह चू तो नहीं रहा या घर में लीकेज तो नहीं है पानी की, वो आपको नुकसान पहुंचा रही है। भगवान शिव की और हनुमान जी की पूजा से आपके मनोरथ सिद्धि का योग बन रहा है। अब मित्रों, बात कर लेते हैं धनुराशि की। धनुराशि वालों को गुप्त दिए गए धन की चिंता सता सकती है आज के दिन। आपने किसी को जो भी उधार सुधार दिया है उसको लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं कि धन वापस मिलेगा या नहीं। अवश्य मिलने के योग बन रहे हैं। काली माँ की पूजा करें और बगलामुखी का आवाहन करके, पूजा पाठ करके उस व्यक्ति से मांगें, आपका धन अवश्य वापस मिल जाएगा जिनकी धनुराशि है। अब मित्रों, बात कर लेते हैं मकर राशि की। जिनकी मकर राशि है उनका कैसा रहने वाला है आज का दिन? मकर राशि वालों के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा आज का दिन। आपकी जो भी योजनाएं कर रहे हैं उन योजनाओं में आपको सफलता भी मिलेगी। दूसरा, आपके किसी के सहयोग से आपको धन का लाभ भी होगा, प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, खर्चे थोड़े ज़्यादा रहेंगे, ट्रैवल से काफ़ी ज़्यादा लाभ हो सकता है। मन की पीड़ा से बचें, ट्रैवल से काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। पेट में थोड़ी पीड़ा हो सकती है, खर्चा अधिक रहेगा, मानसिक संतुलन बना करके रखें, भगवान शिव और हनुमान जी की पूजा करें। मित्रों, अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। जिनकी कुंभ राशि है उनके लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन? कुंभ राशि वालों के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा आज का दिन। आज के दिन आपके जो परिवार में किसी फैसले की बात है या कोई जमीन जायदाद का फैसला करना चाहते हैं तो आप मिल करके फैसला कर सकते हैं। किसी को कोई लेन देन करना चाहते हैं उसमें भी लाभ रहेगा, ट्रैवलिंग से भी काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने के योग बन रहे हैं। आज का दिन आपके परिवार के लिए, आपके लिए एक अच्छा दिन है जो आपके परिवार को लाभ पहुंचा सकता है। भाग्य आपका पूरा साथ दे रहा है। मित्रों, अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। जिनकी मीन राशि है उनके लिए कैसा रहेगा आज का दिन? मीन वालों के लिए काफ़ी बेहतर रहने वाला है आज का दिन। मीन वालों के लिए आज के दिन उपलब्धि का योग रहेगा। आप कोई वाहन इत्यादि खरीदने की सोच रहे हैं उसमें भी लाभ की प्राप्ति का योग बन रहा है। दूसरा, आपको कहीं पर प्रमोशन इत्यादि भी मिल सकता है। तीसरा, परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन भी हो रहा है, उससे मन में खुशी का संचार रहेगा। मानसिक संतुलन बना करके रखें, क्रोध ना करें, ट्रैवल से बचें, आज का दिन मंगल में रहेगा। मित्रों, ये था राशिफल। अब बात कर लेते हैं वास्तु टिप के बारे में। अगर जीवन में नई अपॉर्चुनिटी हासिल करना चाहते हो या नया कोई कार्य करना चाहते हो तो आप अपने नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को खाली कर दें, उससे आपके जीवन में नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आ जाएंगी और उससे आपका जीवन आगे अग्रसर रहेगा। ये उपाय अवश्य करें। आप देख रहे हैं रितम चैनल, मैं हूँ आचार्य संजय शर्मा। नमस्कार दोस्तों।